नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक अवस्थी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो काउंसलिंग है उसका पूरा शेड्यूल जो है वो क्या है, और आपको डीवी यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और किस सिटी में काउंसलिंग जो है वो किस सेंटर में होगी, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 से 8 तक देखते हैं। तो क्लास 6 टू 8 की जो काउंसलिंग है वो आज यानी कि 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, और आज जो है वो गणित और विज्ञान यानी कि मैथ और साइंस की काउंसलिंग होगी। तो आज 26 दिसंबर है और आज 6 टू 8 में जो साइंस और मैथ सब्जेक्ट है उसकी काउंसलिंग होनी है। उसके बाद में कल 27 दिसंबर है और कल जो काउंसलिंग होगी क्लास 6 टू 8 में वो होगी हिंदी और संस्कृत की। तो 27 दिसंबर को आपकी हिंदी और संस्कृत की काउंसलिंग होनी है क्लास 6 टू 8 में, और फिर उसके बाद में 28 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होनी है इंग्लिश और उर्दू की। तो 28 दिसंबर को इंग्लिश और उर्दू की काउंसलिंग होगी 6 टू 8 में, और 29 दिसंबर को क्लास 6 टू 8 में आपकी सामाजिक विज्ञान जो सोशल स्टडीज़ है उसकी जो है काउंसलिंग होगी, और ये सिर्फ होगी महिला अभ्यर्थियों की यानी कि सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग होनी है 29 दिसंबर को SST की, और ये होगी क्लास 6 टू 8 की। 30 दिसंबर को आपको जो है SST की काउंसलिंग होगी, और ये सभी की होगी, मेल की इसमें होगी काउंसलिंग, फीमेल की भी होगी, तो ये आपकी होनी है 30 दिसंबर को। और उसके बाद में 31 दिसंबर को आपको काउंसलिंग होगी जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उन सबकी काउंसलिंग जो है वो होगी 31 दिसंबर को क्लास 6 टू 8 में। तो ये क्लास 6 टू 8 की जो काउंसलिंग है उसका पूरा शेड्यूल था। अब हम देख लेते हैं क्लास आपका जो 9 और 10 है यानी कि आपका जो हाई स्कूल है उसकी जो काउंसलिंग है वो कब होनी है और किस सब्जेक्ट की होनी है। तो 9 और 10 की जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी कल से यानी कि 27 दिसंबर से, और कल 27 दिसंबर को क्लास 9 और 10 में सबसे पहले जो काउंसलिंग है वो होगी हिंदी और ललित कला की। फिर उसके बाद में 28 दिसंबर में काउंसलिंग आपकी होनी है संगीत की और संस्कृत की। फिर उसके बाद में 29 दिसंबर को काउंसलिंग होगी उर्दू और अंग्रेजी की। फिर 30 दिसंबर को काउंसलिंग होगी विज्ञान, मैथिली, पर्शियन और नृत्य की। उसके बाद में 31 दिसंबर को काउंसलिंग होनी है आपकी सामाजिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा की। तो ये आपका 6 टू 8 का पूरा शेड्यूल है। क्लास 6 से 8 की जो काउंसलिंग है वो आज से शुरू होगी 26 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक की होगी, और उसके बाद में 9 से 10 की जो काउंसलिंग है वो आपकी शुरू होगी 27 दिसंबर से और ये होगी आपकी 31 दिसंबर तक। साथियों, उसके अलावा जो SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो अलग से जारी किया गया है। तो SC और ST कैटेगरी के जो काउंसलिंग है वो होगी 27 दिसंबर से यानी कि कल से ये शुरू हो जाएगी, और कल जो है प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होगी। कल जो है प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होनी है, हेडमास्टर की काउंसिल होनी है कल 27 दिसंबर को जो भी SC और ST कैंडिडेट हैं उनकी। 27 दिसंबर को ही आपके जो विद्यालय अध्यापक हैं क्लास 6 से 8 तक उनकी भी काउंसलिंग होनी है, और सभी विषयों की काउंसलिंग होगी 6 से 8 की एक साथ 27 दिसंबर को SC और ST अभ्यर्थियों की। 28 दिसंबर को जो है आपकी काउंसलिंग होनी है 11वीं और 12वीं की, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिए गए हैं आपके 28 दिसंबर को वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वो है अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और इतिहास। तो अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, इनकी काउंसलिंग जो है 11 से 12 की ये 28 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। 29 दिसंबर को काउंसलिंग होनी है आपके फिर से 11वीं और 12वीं की, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिए गए हैं वो है आपके हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और गृह विज्ञान। तो ये 29 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को जो काउंसलिंग होगी वो होगी विद्यालय अध्यापकों की जो कि PRT के हैं यानी कि 1 से 5 के हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक यानी कि जो प्राइमरी लेवल के जो हैं अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट हैं PRT के, उनकी काउंसलिंग 30 दिसंबर को होनी है। साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इन काउंसलिंग में आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाना अनिवार्य है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर काउंसलिंग में। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ले जाना है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है ओरिजिनल, आपको वो ले जाना है, साथ ही साथ आपको उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है। उसके बाद में आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड, नंबर 2 जो है वो आपको ले जाना है अपना आधार कार्ड। नंबर 3 आपको ले जाना है अपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं BPSC की वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति। तो सबसे पहले आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपको ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, साथ ही साथ जब उनको आपने ये फॉर्म ऑनलाइन करते समय BPSC की वेबसाइट पर अपलोड किया था तो वहां से वो डाउनलोड करेंगे, उस पर BPSC का लोगो होगा तो वो भी आपको साथ में ले जाना है। एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये डाउनलोड आपको कैसे करना है। अगर आप लोगो वाले सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं,
आप कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि आपको बीपीएससी की वेबसाइट से जाके कैसे वो डॉक्यूमेंट जो है जो आपने अपलोड किए थे उनकी आपको अटैच्ड कॉपी निकालनी है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर। उसके बाद में आपको क्या ले जाना है, उसके बाद में आपको ले जाना है आपका जो सीटेट या फिर बिहार एस्टेट या फिर बीटेट की जो सर्टिफिकेट है, आपको सीटेट का, बीटेट का या फिर एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है जिसके आधार पे आपने आवेदन किया था। उसके बाद में आपको 3 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी है। फोटो में आप ये ध्यान रखेंगे फोटो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का जो बैकग्राउंड है वो या तो वाइट हो या किसी भी लाइट जो है सिंगल कलर का हो, कोशिश करें कि वाइट है तो सबसे बेटर है, अगर वाइट नहीं है तो फिर कोई भी हल्का कलर हो लेकिन वो सिंगल कलर हो, मल्टीपल कलर की वॉल जो है वो पीछे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जन्मतिथि में छूट से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपको कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए, ठीक है, आप कैटेगरी में आते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में, तो फिर आपको अपनी जन्मतिथि में छूट का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके अलावा 1ली से 5वीं, 6ठी से 10वीं और 11वीं से 12वीं एवं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थियों के लिए 15 दिनों के लिए सभी आवश्यक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है फिर रुकना पड़ेगा तो 15 दिनों के लिए आपके पास में आवश्यक तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाना है, साथ में मोबाइल फ़ोन ले जाना है और वो लिंक होना चाहिए, आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी वगैरह उस पर आ सकता है, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है और जो आधार है वो आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना बैंक अकाउंट ले जा, बैंक अकाउंट की जो है एक पासबुक की आपको कॉपी ले जानी है, 8वां डॉक्यूमेंट ये है, आपको जो है बैंक डॉक्यूमेंट की आपकी जो है पासबुक ले जानी है। इसके अलावा आपको कैंसिल चेक भी ले जाना है। साथियों अगर आपके पास में कैंसिल चेक नहीं है तो अपनी बैंक जाके उसे मैन्युअली तुरंत अप्लाई करके ले लें और एक कैंसिल चेक आपको साथ में ले जाना होगा। यहाँ पर नवा डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना है वो आपको ले जाना है पैन कार्ड, आपके पास में पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो ये पूरी चेकलिस्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके काउंसलिंग के समय। इनमें से अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि आपको काउंसलिंग में शामिल भी ना किया जाए। तो एक बार अच्छे से पूरी लिस्ट ये देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको लेके जाइएगा। जहाँ पे भी आपसे सर्टिफिकेट की किसी की भी फोटोकॉपी मांगी गई है, कोशिश करिए कि कम से कम आपके पास में वो 2 से 3 सेटों में हो, है ना। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फोटोकॉपी है वो आपके पास में 2 से 3 सेट में होनी चाहिए। एक फाइल मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, उसमें अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट के सेट आप बना लीजिएगा, जितने भी सेट आपसे वहाँ पर मांगे जाएँ उतने सेट आप इजीली वहाँ पर दे सकते हो, वहाँ पर जो है आपको फिर दिक्कत नहीं होगी अगर आप पहले से ही इनको अरेंज करके आप ले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके अपने साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर देखो दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के लिए नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल, तो किस शहर में जो है काउंसलिंग जो है वो होनी है, किस सेंटर में किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग कहां पर होगी, ये सब पूरी डिटेल यहां पर दी हुई है। जैसे कि आप पटना में देख सकते हैं, पटना में शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय है गर्दनी बाग पटना, यहाँ पर सभी विषय की काउंसलिंग होगी। नालंदा में आप देख सकते हैं कि विद्यालय गर्दनी बाग है, नालंदा में DRCC नालंदा है, यहाँ पर सभी विषय की काउंसलिंग होगी। फिर ऐसे ही भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुधौल, मधेपुरा, पूर्णिया या फिर अररिया। बिहार के जो पूरे 28 जिले हैं सबके यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दी हुई है किस सब्जेक्ट की काउंसलिंग जो है वो किस सेंटर पर होनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथियों अगर आप इसका जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये PDF मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से ये PDF जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और बाद में आप देख सकते हो कि आपका जो सेंटर है वो किस सिटी के किस जो है सेंटर में आपको जाना है और आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको कब जाना है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है यहाँ पे काउंसलिंग का, इसे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में काउंसलिंग को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हो, हम जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथियों इसके अलावा आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, तो अगर आप बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार स्टेट का एक नया बैच कोर्स जो है अनअकैडमी स्टोर पर लाइव है। इस बैच कोर्स में मैं आपको SST पढ़ा रहा हूँ, ये बैच कोर्स आप अनअकैडमी स्टोर पर जाके परचेज कर सकते हैं। इस बैच कोर्स को परचेज करने के लिए आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना होगा, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी जो अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें और मेरी क्लासेस जो है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा रेफरल कोड है उसका यूज़ करके आप डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हो। साथियों आपको पता है कि जो BPSC TRE 3.0 है,
ये अगस्त में आना है, ये अगस्त जो है 2024 में आना है, और इसमें जो है लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं। तो इनमें अप्लाई करने के लिए अगर आप 9 to 10 में अप्लाई करते हैं, या फिर आप 11, 12 में अप्लाई करते हैं, आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका एसटेट क्वालिफाई होना नेसेसरी है। और ये एसटेट का जो एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है। तो अगर आप एसटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें अन अकेडमी पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।